बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आपका आज हम इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। ये बेसिकली जो है ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा जो है मिक्स ग्रामर है इसमें, यानी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकें कि आप ये वाला काम करोगे। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा, टाइटल है आपका पैक आइटम बैंक। ओके, ग्रामर बेस्ड है ये बेसिकली। इसमें किसी आपने कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसकी प्रैक्शन करनी होगी, किसी में आपने कोई वर्ड आइडेंटिफाई करना होगा, और किसी और सेंटेंस के आपसे कोई और चीज़ डिमांड की जा सकती है। ओके, सबसे पहले देखिए ज़रा, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड क्या होता है जी, बताइए। नेमिंग वर्ड क्या होता है सैफ? नाउन जी, नाउन। तो सीरियस होके बताएं, इसमें इतना हंसने की क्या ज़रूरत है, बैठ जाइए। नाउन तो कहते हैं जी नेमिंग वर्ड। फर्स्ट सेंटेंस में आपने नेमिंग वर्ड आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस पहले पढ़िए ज़रा। यू मैन एंड कॉबलर, थ्री ऑप्शंस हैं आपके जी, जिसमें से आपने नेमिंग वर्ड आइडेंटिफाई करना है। कौन करेगा? हैंड रेज कीजिए, माफिया बताएंगी। बेटा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं आपने, सॉरी। क्या कह रही है? कोबलर। ठीक कह रही है क्या? यस, कोबलर है। ओके, बोर्ड मार्कर कहाँ है? सैफ आ जाए जी, माफिया बैठ जाए, कीजिए टिक। ठीक है, बस ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्या है? टिक द सब्स्टिट्यूशन वर्ड। सब्स्टिट्यूशन वर्ड किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आपने साथ ही हाथ नीचे कर लिए, फिर भी इस बताएंगे। प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है बेसिकली, उर्दू में डिफाइन कीजिए। नाउन तो हो गया ना नाम, किसी भी शख्स का, चीज़ का या जगह का, तो प्रोनाउन क्या है बेटा? जो जब हम किसी भी सेंटेंस में नाउन यूज़ नहीं करते तो उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन नहीं होता क्या? होता है ना, तो सब्स्टिट्यूट भी वही चीज़ होती है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड भी कह सकते हैं, और इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी एक ही, देखिए एक ही चीज़ के कितने हम नाम जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन काम आपने वही एक करना है, आइडेंटिफाई करना है जी आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्ड या प्रोनाउन कौन आएगा। बैठ जाइए अरमीन जी, श्याम आ जाए। नहीं, श्याम खुद करेगा। क्या क्या किया साजिद? साजिद क्या प्रोनाउन कैसे हो गया जी? साजिद पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हाँ जी, वो नाउन था। किसी और को समझ आ रही है? सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, देखिए ज़रा गौर कीजिए। फंस गया श्याम, फंस गए हो, नहीं आ रहा, मुझे पता है। ये देख लें कि कितने हमने दिन लगाए थे आपको ग्रामर समझाने में और सारा कुछ। क्या किया टीचर? और कोई क्या देखें, ये ठीक ही है इसने, पहले तो ये बताएं मुझे। रमीश आ जाए, तो सारों को पता लग गया है। आज वही आप लोगों ने ना कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। बी बी है जी, बी रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? नाउन को। शाबाश, भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसका सब्स्टिट्यूट है या प्रोनाउन है हमारा। ओके, आ जाइए सामने। नेक्स्ट क्या है? दी पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड इज, अगेन वही चीज़ आ गई है यहाँ पे, बल्कि थ्री ऑप्शंस हैं जी। रमेश बैठ जाएं। ही शी इज आर गर्ल्स स्कूल, क्या ऑप्शन है आपके लिए? ए बी और सी, पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है आपने।
कौन करेगा? सना बताएंगी लाउडली बेटा, जल्दी से। हाँ जी बताइए। ही शी। कैसे बेटा? क्योंकि इसमें देखिए गर्ल स्कूल भी तो पेयर है, इज आर भी तो पेयर है, आपने ही शी ही को क्यों चूज़ किया बताइए जल्दी से, क्यों चूज़ किया? लेट्स सपोज आपने ठीक भी चूज़ किया है तो क्यों किया? तो ये तो वो मैं वो उनसे नर्सरी क्लास के बच्चों से पूछ लूँगी, वो भी बता देंगे ही लड़के को कहते हैं और शी लड़की को कहते हैं। इसलिए चूज़ किया है आपने? फिर अब से आम के एक्सप्रेशन चेक करें जरा आप। अभी सना को कह रहा था नहीं आता नहीं आता। अच्छा तुक्का लगाया बेटा, आपका तुक्का लगाया, आपको पता कुछ भी नहीं है कि आपने चूज़ किया तो क्यों किए। अच्छा एनीवेज देखिए ऊपर हमने किया सब्स्टिट्यूशन सिंगल वर्ड में। सब्स्टिट्यूशन क्या था जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम एज यहाँ पे हमने पेयर चूज़ करना था, तो ही शी डेफिनेटली पेयर है जी, प्रोनाउन। प्रोनाउन का पेयर है ही शी, तो इसलिए हमने उसको चूज़ किया था। श्याम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना भी सीख लें, अगर तुक्का लग ही जाता है कभी कभार तो उसको बता भी दिया करें कैसे लगा। ओके नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्या है? एक मिनट अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली आपने सेंटेंस की करेक्शन करनी है। फर्स्ट क्या है? एम कॉबलर आई आर, ठीक है क्या? नो। सेकंड है जी कॉबलर एम आर आई। सैफ कह रहा है यस। कैसे? इसको लगा सेकंड वाला आपने कहा है ना, मैंने जानबूझ के सेकंड स्किप किया था। इसने वो ही सेकंड, यानी आप लोगों ने ये नहीं देखना कि सेंटेंस कहाँ पे ठीक लिखा गया है, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि उसकी पोजीशन उसकी जो है वो कौन सी है, फर्स्ट है सेकंड है या थर्ड है। हम थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर कर दें तो आपके लिए वही ठीक हो जाएगा, ऐसा ही है। हाँ सैफ को दे दिए, सैफ को दे दिए, बोर्ड मार्क दे दें सैफ को जल्दी से। क्या है ये? आई एम अ कॉबलर। आई एम अ कॉबलर, ये पोजीशन ठीक थी जी सारे वर्ड्स की। ये तो था ही बहुत इजी, जस्ट मैंने थोड़ी सी उसका जो है वो चेंज करके पूछा तो आप कंफ्यूज हो गए, बस बैठ जाइए। नेक्स्ट है जी अ कॉबलर मैंस आवर टैश, ये भी बहुत इजी है, ये बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स है। कॉबलर मैंस आवर डैश ट्वाइस शूज और क्लॉथ्स, माफिया बताएंगे बेटा बताइए क्या ऑप्शन ठीक है इसमें? ट्वाइस शूज और क्लॉथ्स। ट्वाइस क्या ठीक कह रही है? नो नो। बैठ जाए, माफिया बैठे इधर स्टैंड अप। बेटा बताइए कॉबलर मैंस आवर डैश ट्वाइस शूज और क्लॉथ्स। शाबाश, शूज है जनाब, कॉबलर शूज मैन करता है, ट्वाइस मैन नहीं करता। गुड, क्लियर है? yes. बहुत इजी था, जस्ट फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस टफ थे जिनमें आप वाकई कंफ्यूज हो गए, हालांकि टफ वो भी नहीं थे, जस्ट आपने थोड़ा सा सोचना था कि उनको कैसे आप लोगों ने टैकल करना है। अभी ये मैंने जो मोस्ट इजीएस्ट सेंटेंसेस थे ना ये पैक आइटम में से, वो मैंने चूज करके आप लोगों के लिए बोर्ड रेडी किया था। अगर थोड़ा सा टफ हम बना देते तो फिर तो बस अल्लाह ही आप। अब इसके ये हमने टोटल फाइव सेंटेंसेस बनाए थे, फाइव आप लोगों की नोटबुक्स के ऊपर बना के दिए जाएंगे इसी तरह से मिक्स्ड, वो आप घर से सॉल्व करके लेके आओगे, ठीक है? उस मामा इशाल और इरहा भी और साथ ही आप सारे बच्चे, हर बच्चा इंडिविजुअली अपनी जो है असाइनमेंट करके लाएगा ताकि पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, ठीक है? ओके चलें बेटा आज का लेसन ख़त्म करते हैं, फिर इस दुआ के साथ
कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।